हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कैसे हो आप सब अंडर हंड्रेड रुपीज़ की जब भी मैं वीडियो बनाती दे हूँ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढवाती हूँ अंडर हंड्रेड रुपीज़ के प्रोडक्ट्स बट आज मैंने बहुत कुछ ढूंढा है अंडर हंड्रेड नाइका से मैंने मंगवाया है बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स जो कि अंडर हंड्रेड रुपीज़ के आपको मिल जाएंगे और बहुत ही मस्त होने वाले हैं ये सबसे पहले तो जो चीज़ की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो है ये ये है नेल फाइलर एक्चुअली आजकल मैं ना फेक नेल्स अप्लाई कर रही हूँ उसके साथ वैसे आता है बहुत छोटा सा बट क्योंकि उसमें चौबीस पच्चीस छब्बीस नेल्स आते हैं तो के लिए नहीं हो पाता तो मुझे चाहिए था एक नेल फाइलर ये अंडर रुपीस का मैंने मंगवाया है ब्रॉन्सन ब्रांड का है ये यार इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मुझे लगी है ये मैंने अभी तक दो बारी यूज किया है ये आप देखेंगे इधर से और इधर से दोनों साइड से इससे आपको मिलता है इस तरीके से ये मैं आपको करके दिखा दूँ दे। देखो बहुत सही मुझे लगा है ये और ये ना फॉर्म का है एक आता है जैसे वो होता है स्टील का उसके से है ना बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरी जब मैं उससे बच्चों के नेल्स कभी फाइल करती हूँ तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ये जो है ना ये पेपर का है तो ये ना चुभने या लगने वाली चीज़ नहीं है तो मुझे काफ़ी सही लगा ये डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट चीज़ मैंने मंगवाई है सेम ब्रांड की ये होने वाला है मेकअप स्पॉन्ज मेरे ब्यूटी ब्लेंडर बहुत जल्दी खो जाते हैं जी हाँ मतलब मैं मेकअप करती हूँ उस टाइम शादी वादी में जाना होता तो कहीं भी रख देती हूँ फिर दोबारा मुझे मिलता ही नहीं इस बारी है इस बार ही मैंने मंगवाया यार ये बड़ा डिफरेंट सा ये आप देखोगे डायमंड कट का होने वाला है बड़े डायमंड हम ले नहीं सकते हैं <laughs> मैंने कहा डायमंड कट का यही ले ले तू ये बेसिकली जो ये पॉइंटेड एरिया ना ये आपके अंडर आई के लिए आपके नोज़ एरिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट है तो बड़े बड़े ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं जैसे कि इस तरफ से अब मैं इधर लगाऊंगी तो वो कुछ ना कुछ छोटा छोटा सा एरिया छूट ही जाएगा यहाँ से मैं लगाऊंगी तो नहीं कवर कर पाएगा तो ये पॉइंटेड वाला जो था ना ये मैंने देखा था कि ये स्पेशली आपके नोज़ एरिया पर या जहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे से एरिया होते हैं ना उसे कवर करने के लिए बहुत सही है और यहाँ से इस तरीके से आप फेस को तो कर ही सकते हो तो इससे आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो ये भी अंडर हंड्रेड रुपीज़ आपको मिल जाएगा मैंने वैसे अभी इसको यूज़ किया नहीं है यूज़ करने के बाद इसे पहले पानी में भिगा लेना भिगा लेना गीला नहीं करना होता भिगाना होता मतलब एक कटोरी में या एक गिलास में पानी लीजिएगा उसमें डाल दीजिएगा और ये फूल का इतना मोटा हो जाएगा फिर निकालना फिर दबा लेना दबा के बढ़िया से तब इसे यूज करना ऐसा नहीं होता कि नल के नीचे लगाया और बस यूज कर लिया उससे काम नहीं होता है डुबा के रखना पड़ता है इसे नेक्स्ट मैंने मंगवाई है यार फेक आई लैशेज ये भी अंडर हंड्रेड रुपीज़ की मुझे मिल रही थी मैंने सोचा जी हाँ मैंने सोचा वैसे मैंने कभी बहुत ही कम होता है जब मैं फेक आई लैशेज लगाती हूँ बट ये मुझे बहुत रियल लग रही थी नॉर्मली ना क्या होता है जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे वो देखने में तो बहुत अच्छी लगती है बट जब हाथ लगाते हैं ना तो वो बड़ी ही ना प्लास्टिक वाली फील आती है इसमें ऐसा नहीं है मैं आपको दिखाती हूँ देखो देख रही है आपको मेरी उंगली कितने अच्छे से कितने स्मूथली ग्लाइड हो रही है मतलब ये तो बिल्कुल मेरे को ना मेरी आंखों के असली पलकों जैसी फीलिंग आ रही है इसमें ये बहुत ही रियल है बहुत ही रियल नॉर्मली आपको जो सस्ती आई मिलती है ना वो इतनी ज्यादा फेक लगती है बिल्कुल प्लास्टिक वाली फीलिंग आती है उसमें ये तो बहुत रियल है मतलब मैं किसी दिन इसको लगा के दिखाऊंगी आपको बहुत सही मुझे लगी है और ये अंडर हंड्रेड रुपीज़ की है तो तीन चीज़ें मैंने दिखाई है ना जो आपको ये तीनों सेम ही ब्रांड की होने वाली है और अंडर हंड्रेड रुपीज़ आईलश के नंबर की अगर मैं बात करूँ टू थर्टी नंबर है इसका अंडर हंड्रेड का ये आपको मिल जाएगा नायका से मैंने ये प्रोडक्ट्स मंगाए हैं सबके लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप ट्राई करना चाहो तो डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर सकते हो एक मैंने मंगवाया भाई नेल पेंट रिमूवर एक्चुअली मेरे पास तो वो वाले हैं जिसमें उंगली घुसाओ और वो खुद नेल रिमूव हो जाती है नेल पेंट बट प्रॉब्लम क्या होती है मैं नेल पेंट लगाती हूँ पैरों में अब उसमें तो मेरे को उंगली घुसाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है तो मुझे यही चाहिए पड़ते हैं ये मैंने मंगवाया है नेल पेंट रिमूवर और एक और मंगवाया है जैसे ट्रैवल व्रेवल करते वक्त चाहिए होता है इसमें बेसिकली क्या है इसमें छोटे छोटे पेपर रखे हुए वेट वाइप्स होती हैं ना जैसी वैसी रखी हुई है और ये इसमें पहले से ही नेल पेंट रिमूवर डाल दिया है तो बस आपने एक शीट लेनी है और आपकी उंगलियों से आप नेल पेंट रिमूव कर सकते हो ट्रैवलिंग के लिए बहुत सही क्योंकि कांच की बोतल तो यार ट्रैवल करते वक्त नहीं ही ले जा सकते हैं डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई करना ये वाले की अगर मैं बात करूँ इसका एम है अब एम गायब कर रखा है ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है एम गायब है इसकी बता देती हूँ रुको ये जो ब्लू हेवन वाला है इसकी एम है पैंतालीस रुपये डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो एक मैंने मंगवाया है इनसाइड का हाइलाइटर मेरे पास ये वाला पहले से था बट मेरे घर में कोई आया है जिसने जिसको वो हाइलाइटर पसंद आया ले गया अपने साथ तो मैंने मंगवा लिया है ये है इनसाइड का गोल्डन कलर का हाइलाइटर इसमें मेरे पास गोल्डन सिल्वर और आई थिंक रोज गोल्ड भी है या फिर दो ही हैं गोल्डन सिल्वर तो है जहाँ तक मुझे याद है पिगमेंटेशन यार आप देखो सबसे सस्ता पर सबसे अच्छा अगर मैं हाइलाइटर की बात करूं ना ये बहुत सही लगता है बहुत मस्त रुको मैं आपको लगा के दिखाती हूं देख रहे हैं, मेरी नाक अलग ही चमकने लग गई <laughs> मुझे यार ये हाइलाइटर जो है ना ये इतने ज्यादा पसंद है ना क्रीम हाइलाइटर होता है ना पाउडर हाइलाइटर के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसके लिए ब्रश अलग चाहिए एप्लीकेटर अलग चाहिए इसमें कुछ नहीं चाहिए उंगली लगाओ लगा लो सीधे <laughs> बहुत सही बहुत सही और इसमें मेरा शेड है जीरो फाइव जो मैंने मंगवाया है ब्यूटीफुल मुझे ये लगता है इनसाइड कॉस्मेटिक के मैंने ये मिनी वाले जो ये छोटे वाले होते हैं मिनी तो नहीं है ये क्वांटिटी पूरी है इसकी बट तो इस वाली पैकेजिंग में सेम हाइलाइटर भी आते हैं ब्लश भी आते हैं मैंने दोनों मंगवा रखे हैं अब मैंने फर्स्ट टाइम इनका मंगवाया है कंसीलर और आप बिलीव नहीं करोगे ये भी अंडर हंड्रेड रुपीज़ का है मतलब एवरी डे यूज़ के लिए अगर आपको फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना ना तो आप सीधे इसी को यूज़ कर लेना इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी मैंने देखी है वीडियोज़ में तो मुझे भी खुशी हुई मैंने कहा मैं भी ट्राई करूँगी ये आप देखोगे मेरा शेड तो मैंने ठीक ठाक सा ही मंगवा लिया बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर है इसका ये आप देखिए और मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा सा ये आप देखेंगे डॉट 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 फेस पे बना लीजिएगा और ब्लेंड कर लीजिएगा इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी ओ भाई कवरेज इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो अगर आपको फाउंडेशन लगाना नहीं पसंद है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो डेफ़िनेटली पैकेजिंग बेसिक है बट माल जो है ना पैकेजिंग के अंदर वो बहुत ही गजब का है तो भाई बिल्कुल ट्राई करना कई बार होता है इतनी फैंसी पैकेजिंग होती है और प्रोडक्ट बिल्कुल कूड़ा होता है वैसे प्रोडक्ट पे जब इन्वेस्ट करती हूँ ना मैं मेरे को बड़ा गुस्सा आता है बट ये वाला मुझे बहुत सही लगा मतलब बेसिक पैकेजिंग है इसकी आप देखो बिल्कुल बेसिक बट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा अंडर हंड्रेड रुपीज़ के हिसाब से मस्त प्रोडक्ट है नेक्स्ट मैंने मंगवाई है एक इनसाइड की लिपस्टिक तो इसका कलर देखते हैं इसका कलर मुझे ना यार उसमें बहुत अच्छा लग रहा था जब मैंने नायका पे देखा ना मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा था एक बहुत ही ना पीची पीची सा कलर लग रहा था बट प्रॉब्लम यही होती है समटाइम्स <laughs> दिखता बहुत अच्छा है और जब आता है ना तो आँखें यू हो जाती कि यार ये मैंने क्या ही मंगवा लिया <laughs> क्या खाया था मैंने उस टाइम पर <laughs> मैं आपको दिखाती इसका शेड ये आप देखिए ये होने वाला एक पीच कलर अब इसे मैं ऐसे तो नहीं ही लगाऊँगी बहुत ही अलग सा मुझे लग रहा है बट इसे मैं अप्लाई करूंगी जैसे ब्राउन कलर की आउटलाइन के साथ तब इसे मैं अप्लाई करूंगी ना मिक्स कर लूंगी तो ये बहुत अच्छा कलर बन जाएगा मेरे पास एक बार पहले भी ऐसा ही हुआ था तो ये कलर बहुत अच्छा लगता है अगर आप मिक्स करके लगाओगे डायरेक्टली इसे लगा लोगे तो बहुत ही बेकार लगेगा या फिर आप क्या कर सकते हो इस लिपस्टिक को जैसे ये शेड है ना इसे आप एज अ ब्लश अप्लाई कर लो और फटाक से ना इसे ब्लेंड कर दो ये वाला जो ब्लश का शेड होता है ना ये बहुत अच्छा लगता है मतलब लिपस्टिक को लिपस्टिक की तरह यूज़ ना करके आप एज अ ब्लश यूज़ करो बिल्कुल कश्मीरी सेब लगोगे आप ये बहुत अच्छा लगता है ये वाला शेड मेरे पास दो तीन है ऐसे ब्लश जो ये है ना पीच कलर के ये बहुत सही लगेगा तो अगर आप महंगे ब्लश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते आप अंडर हंड्रेड रुपीज़ की इस लिपस्टिक पे इन्वेस्ट कर लेना एज अ ब्लश भी यूज़ कर लेना और आउटलाइन करके एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर लेना देखा मैं कितने पैसे बचवाती हूँ आपके <laughs> शेड की अगर मैं बात करूँ तो इसका शेड है ए टू न्यूड कॉफ़ी कॉफ़ी भी कहीं से नहीं लग रहा न्यूड भी कहीं से नहीं लग रहा था नाम किस हिसाब से रखा है पर हाँ जो शेड इसका बाहर है वही इसका अंदर है तो आप जाके ट्राई कर सकते हो इसको नेक्स्ट मैंने मंगवाई है यार एक नेल पेंट ये है हाफ़ एंड हाफ ब्रांड की मिरर नेल पॉलिश मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये मतलब मज़ा ही आ गया था इसे देख के और ये है भी बहुत अच्छी इसकी जो जान ले ली ना वो इसके एप्लीकेटर ने ले ली इसका एप्लीकेटर इतना ज़्यादा मोटा है कि जब मैं नेल पेंट लगा रूँ ना उसमें सारे इसके ना स्ट्रोक्स दिख रहे हैं तो वो मुझे बहुत बेकार लगा या तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो गई है या फिर इसका एप्लीकेटर खराब है दोनों में से एक चीज़ तो है बहुत ख़राब बट इसका शेड बहुत अच्छा है तो मैंने तो क्या जुगाड़ निकाला है वीडियो बनाने के बाद एप्लीकेटर हटा दूँगी दूसरा एप्लीकेटर यूज़ करने लग जाऊँगी <laughs> क्योंकि ये शेड बहुत अच्छा है और इसकी सच में मिरर जैसी फिनिश आ रही है बहुत ही मटैलिक वाली लुक आ रही है इसकी बहुत सही बट एप्लीकेटर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे तो बट हाँ शेड बहुत अच्छा मंगवाया मैंने ये भी आपको अंडर हंड्रेड रुपीज़ का मिल जाएगा मंगवाया यार अपने लिए सिंदूर एक नहीं बेसिकली दो सिंदूर मंगवाया मैंने ये होने वाला है जोफ्स ब्रांड का ये दावा करता है कि ये हर्बल सिंदूर है हर्बल वरबल तो मुझे पता नहीं बट तो मुझे चाहिए था सिंदूर तो मैंने मंगवा लिया है अपने लिए पैकेजिंग इसकी देखो आप बिल्कुल मस्त वाली पैकेजिंग लग रही है मुझे चाहिए होता है सिंदूर रेड कलर का मुझे मैरून उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे रेड कलर का सिंदूर बहुत अच्छा लगता है तो ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये आप देखो ब्यूटीफुल शेड है और मुझे ना यार पाउडर सिंदूर सिंदूर अच्छे लगते हैं बट प्रॉब्लम क्या होती है गर्मियों में ना मैं उसे यूज़ करती हूँ वो पूरा बह जाता है पसीने बहुत आते हैं मुझे दूसरा मैंने मंगवाया सस्ता सुंदर टिकाऊ एलेटीन का ये आप देखिए ये भी मैंने रेड कलर में ही मंगवाया है तो दोनों ही सिंदूर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और दोनों में ही ना किसी में भी जी हाँ कई सिंदूर होते हैं जिसमें ना वो ग्लिटर वाले पार्टिकल्स होते हैं इन दोनों में नहीं है तो आप ट्राई करना चाहते हो तो इन दोनों को भी ट्राई कर सकते हो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर करी थी मिस क्लेयर की ये वाली लिपस्टिक इसमें बेसिकली आपको ऊपर तो लिपस्टिक मिल जाती है और नीचे यहाँ पर आप जब खींचेंगे ना इसको तो आपको ये मिल जाता है ये बेसिकली क्या है ये लिप टेंट है टू इन वन हो जाता है ये वायरल तरीका था मैंने तो टेस्ट करने के चक्कर में मंगवाई थी बट मुझे ये इतना अच्छा लगा कि मैंने इसमें एक नया शेड मंगवा लिया चलो आपको दिखाती हूँ कौन सा शेड है एक्चुअली मेरे से तो यार ये पैकेजिंग ही नहीं खुलती ये जो ऐसी पैकेजिंग होती है ना पता नहीं यार खतरनाक पैकेजिंग कर देते हैं ब्रांड और फिर वो मेरे से खुलती ही नहीं है खुल गई तो इस बार मैंने शेड मंगवाया थ्री फोर्टी नाइन ये एक ऑरेंज शेड होने वाला है पता नहीं मैंने इस बारी लिपस्टिक क्या ही दिमाग में चल रहा था जब मैंने ये मंगवाई है ओ <laughs> ये देखो अब <आगे> इसका शेड <laughs> मतलब इसे भी एज अ ब्लश ही यूज करना पड़ेगा लग रहा है <laughs> ये आप देख सकते हो शेड अच्छा है बट इसे मैरून कलर के लिप लाइनर के साथ ही यूज करना पड़ेगा वरना <laughs> एज अ ब्लश आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो इसका बेसिकली टेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो ये है इसका टेंट चलो टेंट देख लेते हैं इसका अरे कहाँ लगा रही हूं मैं भी? देखो तो ये है, इसका टेंट, टेंट अच्छा लग रहा है जैसे लिप ग्लॉस होता है ना ग्लॉसी ग्लॉसी लिप्स आपको मिल जाएंगे तो ये दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगे हैं लिपस्टिक तो ये वाली ज्यादा अच्छी थी बेसिकली जो लास्ट टाइम मंगवाई थी ये एक बहुत ही प्यारा सा शेड है 313 नंबर ये आप देखेंगे बहुत प्यारा शेड है ये वाला और इस बार ये दो लिपस्टिक मंगाई मैंने और दोनों में ही मेरा पोपट हो चुका है जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको आज के वीडियो में दिखाए हैं सबके लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पसंद आए तो जाके शॉपिंग जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो जाके नहीं अभी के अभी लाइक करके जाना वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना मिलती हैं आपसे अगली वीडियो में बाय